हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, दैट इज ओमिक्रॉन इमरजेंसी अनाउंस्ड इन यूनाइटेड किंगडम, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, बोरिस जॉनसन ने। अकॉर्डिंग टू दैट, बूस्टर जैब्स विल बी ऑफर्ड टू एवरीवन ओवर 18 इन इंग्लैंड फ्रॉम दिस वीक, द पीएम हैज अनाउंस्ड एज ही डिक्लेयर्ड इन ओमिक्रॉन इमरजेंसी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके कारण ओमिक्रॉन इमरजेंसी ऑलरेडी वहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, और जो भी 18 प्लस है उनको बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, मींस लगाया जाएगा। और बूस्टर डोज मींस क्या होता है, जो आपका सेकंड डोज कंप्लीट हो गया उसके बाद जो थर्ड डोज है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम से कम लोगों तक फैले और इसको कंट्रोल किया जा सके, बिकॉज ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें सेकंड पॉइंट निकल करके आता है, देयर इज नो वन शुड बी इन एनी डाउट, देयर इज अ टाइडल वेव ऑफ ओमिक्रॉन कमिंग अगेन। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा है कि एक टाइडल वेव आ रहा है ओमिक्रॉन का, तो यहाँ पर किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना है ताकि इसको रोका जा सके। तो यहाँ पर बात आती है यूनाइटेड किंगडम में ये जो ओमिक्रॉन इमरजेंसी है इसके कारण क्या क्या चीज अफेक्ट होगा या फिर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो इसमें फर्स्ट है, दैट इज सम मेडिकल अपॉइंटमेंट्स आर टू बी पोस्टपोन टू फोकस ऑन बूस्टर्स, मीन्स जो बूस्टर डोज है इस पर उनको फोकस करना है, इसलिए ऐसे मेडिकल अपॉइंटमेंट्स जो उतने जरूरी नहीं है, जिसके बिना भी काम चल सकता है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। सेकंड इसमें पॉइंट है, यूकेस कोविड अलर्ट लेवल वॉज रेज टू 4 ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द न्यू ओमिक्रॉन वायरस वेरियंट। तो यूनाइटेड किंगडम में जो कोविड-19 का अलर्ट लेवल है वो 4 तक पहुंच गया है, जो मई 2021 में था जब सेकंड वेव एकदम प्रोमिनेंट था, मींस वो जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन का लेवल है काफ़ी ऊपर जा चुका है। ये कौन कौन से लेवल होते हैं, क्या होते हैं, अभी फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कशन करेंगे। और क्या हुआ है, पीपल हैव बीन टोल्ड टू वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम मंडे, मींस आज से लेकर के वहां पर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। जिस भी पर्सन के लिए पॉसिबल है उन सबको बोला गया है यूनाइटेड किंगडम में कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ताकि इसका जो ट्रांसमिशन है उसको कम किया जा सके, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ये ओमिक्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कौन कौन सा जो लेवल होता है कोविड-19 का और उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। सो लेवल 4 मीन्स अ हाई और राइजिंग लेवल ऑफ ट्रांसमिशन, द लास्ट टाइम द यूके वॉज एट दिस लेवल वॉज इन में। तो हाई लेवल ऑफ ट्रांसमिशन को कहा जाता है लेवल 4। बेसिकली इसके 5 लेवल होते हैं, जो 5th लेवल है दैट इज डिनोटेड बाई रेड कलर, मटेरियल रिस्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बींग ओवरवेम्ड, मीन्स यहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, मीन्स ये पीक होता है एकदम, ये सबसे हाइएस्ट लेवल होता है। इसके नीचे होता है लेवल 4, जिस लेवल पर अभी उन लोग पहुँच चुके हैं यूनाइटेड किंगडम वाले, हाई और राइजिंग लेवल ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। जो थर्ड लेवल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट द वायरस इज इन जनरल सर्कुलेशन, मीन्स जनरल सर्कुलेशन में वायरस होता है। सेकंड लेवल में क्या होता है, द नंबर ऑफ केसेस एंड ट्रांसमिशन आर लो, तो उसमें जो नंबर ऑफ केसेस है और ट्रांसमिशन है उतना ज़्यादा नहीं होता है। करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो अभी ओमिक्रॉन वाला है वो लेवल 2 के आसपास होगा। और जो स्टार्टिंग है दैट इज लेवल 1, दैट इज ग्रीन, कोविड-19 इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। इसके अकॉर्डिंगली जो यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 प्रेजेंट नहीं है ऐसा कहा जा सकता है, यदि वो लेवल 1 हुआ तो। तो अभी उन लोग लेवल 4 में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो अपडेट है वो मैंने लिया है बीबीसी न्यूज़ से, जिसका डिटेल्ड आर्टिकल आपको पढ़ना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी में जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की यूके के, उन्होंने आगे क्या कहा है, आई एम अफ्रेड वी वी आर नाउ फेसिंग एन इमरजेंसी इन अवर बैटल विद द न्यू वेरियंट ओमिक्रॉन, मीन्स उनको डर है कि वो एक नया इमरजेंसी जो ओमिक्रॉन की वजह से आने वाला है वो फेस कर सकते हैं, इसलिए वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इट इज़ नाउ क्लियर दैट 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन आर सिंपली नॉट इनफ टू गिव द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वी ऑल नीड, मीन्स जो 2 डोज दिया गया वैक्सीन का वो इनफ नहीं है, अब बूस्टर डोज की आवश्यकता है। ठीक है, बूस्टर डोज इसलिए वहाँ पर दिया जा रहा है, बट द गुड न्यूज इज दैट अवर साइंटिस्ट आर कॉन्फिडेंट दैट विथ अ थर्ड डोज अ बूस्टर डोज वी कैन ऑल ब्रिंग अवर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बैकअप, मीन्स यदि बूस्टर डोज दिया जाता है तो जो प्रोटेक्शन लेवल है वो 70-75% तक इंक्रीज हो जाएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपना डिस्कस किया था। इसलिए उनका जो काफ़ी फोकस है बूस्टर डोज पर भी है। इंडिया में अभी तक बूस्टर डोज का ऑफिशियली वैसे नोटिफिकेशन नहीं आया है, हो सकता है इंडिया में भी बहुत जल्दी बूस्टर डोज लगने लगे, मीन्स जो थर्ड डोज है
वो लगने लगेगा। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप अलर्ट रहेंगे, COVID-19 का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स और अल्टीमेटली अपने कंट्री को भी बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।